मोहम्मद आमिर वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा को आउट किया था। 2019 के वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा को इन्होंने बड़ी ट्रबल की थी। रोहित शर्मा को बार बार जिस खिलाड़ी ने अपने निशाने पर ला रखा हुआ है मोहम्मद आमिर, वो वापसी करने वाले हैं। बिकॉज अगर देखा जाए इस बार मोहम्मद आमिर का क्विटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलते हुए PSL में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा था। बहुत बढ़िया बॉलिंग मोहम्मद आमिर हमें वहाँ पर करते हुए नजर आए होता है। लेकिन मोहम्मद आमिर ने यहाँ पर ये कहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। तो ऐसे में ये एक सवाल है, क्या जो पाकिस्तान की इंग्लैंड के सामने, न्यूजीलैंड के सामने, नेदरलैंड्स के सामने 3 T20 सीरीज़ होनी है, वहाँ पर क्या मोहम्मद आमिर आपको खेलते हुए नज़र आएंगे या फिर नहीं नज़र आएंगे? और मोहम्मद आमिर का इस कदर से अवेलेबल हो जाना कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत हो सकती है हारिस रौफ के लिए, जो PSL में उतने कुछ खास फॉर्म में नहीं थे, इंजर्ड भी अभी चल रहे हैं, PSL से बाहर हो गए थे इंजरी के चलते। इवन उनके कप्तान पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी मोहम्मद आमिर का वापस आना एक बड़ी ट्रबल हो सकती है। क्योंकि अगर आप इस तथ्य को भी देख लें कि शाहीन शाह अफरीदी की टीम इस बार PSL से एलिमिनेट होने वाली पहली टीम रही, मोहम्मद आमिर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया खुद शाहीन शाह अफरीदी से जो हमने देखा इस पूरे PSL में, और शाहीन शाह अफरीदी खुद तकरीबन 10-11 विकेट्स उन्होंने ली। लेकिन अगर उनकी टीम कप्तानी में लाहौर कलंदर्स 10 में से सिर्फ एक मुकाबला जीते, एक मुकाबला बारिश में धुल गया, और 8 मैचेस अगर उनकी टीम हारी थी, इवन न्यूजीलैंड में भी जो टीम गई थी पाकिस्तान की, न्यूजीलैंड पाकिस्तान की सीरीज थी, वहाँ पर भी 5 में से 4 मैचेस शाहीन की कप्तानी में टीम हारी, और शाहीन की कप्तानी को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में शाहीन की कप्तानी ही नहीं, शाहीन की जगह पर भी सवाल हो सकते हैं। क्योंकि अगर मोहम्मद आमिर अच्छा कर जाए, नसीम शाह अच्छा कर रहे हैं, उनके युवा गेंदबाजों में आप देखें तो जमान खान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है, बट ये एक बात कहना की जरूरत है कि हारिस रौफ की उस जगह को झटका हो सकता है। बिकॉज नसीम पहला वो गेंदबाज जो अपनी जगह पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में मुकम्मल करेगा हर एक लिहाजे में, और दूसरा नाम उसमें मोहम्मद आमिर होंगे अगर वो अपने आप को अवेलेबल कर देते हैं जैसी फॉर्म नहीं है, और शाहीन शाह अफरीदी हारिस से तो पहले ही आएंगे। लेकिन एक नए तेज गेंदबाज के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अगर एक खिलाड़ी PCB उससे बात मांग कर रहा है, बातचीत हो रही है, PCB ने उनको रियलाइज़ करवाया कि आप अभी भी खेल सकते हैं, और वो खिलाड़ी वापस भी आता है ना, तो उस खिलाड़ी का प्लेइंग 11 में खेलना कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद आमिर के आंकड़े क्या हैं, मोहम्मद आमिर के स्टैट्स क्या रहे हैं, मोहम्मद आमिर ने अभी तक 50 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले, 59 विकेट्स लिए हैं उन्होंने, और 277 कुल मिला के मोहम्मद आमिर ने जो है T20s ओवरऑल मुकाबले खेले हैं। भला उसमें आप लीग की बात कर लें, भला उसके अंदर आप वहाँ पर बात कर लें मोहम्मद आमिर की लीग की बात कर लें, PSL की बात कर लें, दुनिया भर में इन दिनों मोहम्मद आमिर आपको खेलते हुए नजर आते हैं। तो उसमें मोहम्मद आमिर ने 277 मैचेस के अंदर 325 विकेट्स अपने नाम पर किए हैं। अब इसमें बड़ा सवाल ये नहीं है दोस्तों कि मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के लिए कैसा किया है। इंडिया पाकिस्तान का मैच June 5 या 6 को होने वाला है, June 5 को FM नॉट रॉन्ग इंडिया पाकिस्तान का मैच बताइएगा, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा उसमें रोहित शर्मा के सामने, बिकॉज लेफ्ट हैंड पेसर्स वर्सेस रोहित शर्मा ये एक बहुत बड़ा मसला रहता है। 2017 में मोहम्मद आमिर ने ये कार्य किया था, रोहित शर्मा को तब आउट किया था 9 जून को, माफ़ कीजिएगा इंडिया पाकिस्तान। लेकिन अगर मोहम्मद आमिर वर्सेस रोहित शर्मा के आंकड़े भी देख लिए जाएंगे ना, तो उसमें ये एक बात कहीं ना कहीं ज़रूर है कि आमिर ने रोहित को बार बार ट्रबल दिया है, विराट कोहली भी उतना ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड पेसर के सामने ईजी नहीं नज़र आते हैं। सो येस, दिस इज़ अ पॉइंट वेयर इन टू से कि हाँ, मोहम्मद आमिर का कमबैक एक बहुत बड़ी डिफाइनिंग कॉल कहीं ना कहीं ज़रूर हो सकती है। अगर बात करें कि मोहम्मद आमिर ने आखिरी बार जो है वो कब खेला था पाकिस्तान के लिए, अगर मैं उस स्टैट पर भी यहाँ से नज़र डालने की कोशिश करूँ, तो आखिरी बार T20 मैच 2020 में खेला था मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के लिए। और जब कभी आखिरी बार मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए खेले थे, वो आपके लिए तकरीबन वही मुकाबला ही था, 30 अगस्त 2020 के बाद से मोहम्मद आमिर ने कभी भी पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शिरकत नहीं की है। 2019 में आखिरी ODI और टेस्ट मुकाबला उन्होंने खेला, तो T20 से ही छोड़ा था, T20 से ही कमबैक करेंगे, ये बात कहीं ना कहीं ज़रूर है कि PSL 9 में जिस तरह का परफॉर्मेंस कहना कि मोहम्मद आमिर का रहा, वो काबिले तारीफ बन जाता है यहाँ से, जिसके बलबूते पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बात की है मोहम्मद आमिर के साथ कि आप बेहतर कर सकते हैं, आप में अभी क्रिकेट बाकी है। इसी के चलते कहीं ना कहीं मोहम्मद आमिर का वो एक कमबैक हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें एक और पॉइंट कहीं ना कहीं जुड़ जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय पर डरा हुआ है। अगर पाकिस्तान को इमाद वसीम के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं कि आप कमबैक कर लीजिए, अगर पाकिस्तान को मोहम्मद आमिर के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं कि वापसी कर लीजिए, तो पाकिस्तान अंदर से जानता है कि भाई हमारी टीम के अंदर परफॉर्म, हमारी टीम में काबिलियत नहीं है,
हमारी टीम में उतनी क्षमता नहीं है, हमारी टीम इस समय उतना अच्छा फाइट नहीं कर सकती है। सो दीज थिंग्स कैन एनी डे मेक यू क्लियर कि हाँ दिक्कतें हैं वहाँ पर। मोहम्मद आमिर जिस तरह से आ रहे हैं, इमाद वसीम जिस तरह से आ रहे हैं, और ये एक लिहाजा है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको कहीं ना कहीं, ये हम कह सकते हैं कि ज़रूर आपको थोड़ा सा झिझकता हुआ कहीं ना कहीं, या फिर वो कहते हैं कि थोड़ा सा डरता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई वापसी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखते हैं कि टीम उतना ज़्यादा बेहतर आपकी नहीं कर रही है। एक समय पर 4-1 से अभी आप हारे हैं अपनी सीरीज़, अगर आप वहाँ पर बात कर ले कि किस तरह से आपका सीज़न ट्रबल में आई, न्यूजीलैंड से आप आ रहे हैं, PSL में आपका जो फुल टाइम कप्तान है उसने भी बेहतर नहीं किया। पर एक और चीज़ हुई है इसी के साथ, अगर हम देख लें, हारिस रॉफ को भी उनका कॉन्ट्रैक्ट वापस दे दिया गया है। हारिस रॉफ जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीन लिया गया था, अब से कुछ देर पहले उन्हें भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं वापस दे दिया। कि इसमें क्या है ना, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय थोड़ा सा डरा हुआ है। हारिस रॉफ को कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल रहा है पर हारिस रॉफ शायद खेलेगा नहीं। जो हारिस रॉफ अभी आपको कहीं ना कहीं वो इंजर्ड नज़र आ रहा है, यही हारिस रॉफ को लेकर मैं अपडेट पढ़ रहा हूँ जो मेरे पास मैसेज भी आया था हमारे सूत्र से कि मोहसिन नकवी सेज दैट हारिस रॉफ सबमिटेड अ रिप्लाई इन ट्रिब्यूनल विच सेड दैट देयर वाज अ मिस्टेक, बिकॉज ऑफ दैट आई डिसाइडेड टू रिस्टोर हिज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी तमाम लोग इस समय हमारे साथ हैं, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर हम यूट्यूब पर देख रहे हैं, और अगर फेसबुक के माध्यम से बाद में देखेंगे तो आप फॉलो भी करना मत भूलिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स यारी को। तो हारिस रॉफ में डर आ गया है, हारिस रॉफ ने रिटर्न में एक माफ़ी दी है कि वो गलती थी। इमाद वसीम वापस आ गया, मोहम्मद आमिर के वापस आने की खबरें थी, हारिस रॉफ डर गया। पहले तो हारिस रॉफ चौड़ में था कि मेरे बिना ये लोग खेल नहीं सकते, मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता, पर हारिस रॉफ ने भी डरने के बाद एक रिटर्न के अंदर जो आप कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन दे दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। मोहसिन नकवी साहब जो उनके नए चेयरमैन बने अब से 2 महीने पहले तकरीबन, उनको ही एक रिटर्न लेटर मिली, जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मैंने ये फैसला किया है कि मैं वापसी जो है अपने उस डिसीजन के ऊपर लेना चाहूँगा, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस से उन्हें मिल गया है। और मोहम्मद आमिर जो है वो आपको एक बार फिर से बता दूँ कि कमबैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसके अंदर थोड़ा बड़ा सवाल ये है कि मोहम्मद आमिर ने क्या कि वो T20 वर्ल्ड कप सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे, लेकिन क्या मोहम्मद आमिर आपको इंग्लैंड सीरीज़, नीदरलैंड सीरीज़, जो आपका न्यूजीलैंड पाकिस्तान आने वाला है, क्या वहाँ पर मोहम्मद आमिर आपको खेलते हुए नज़र आएंगे? तो ये एक सवाल जो है वो कहीं ना कहीं आपको इस पूरे केस में बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो यही सारा का सारा अपडेट था जो शेयर करना था आप सभी के साथ मोहम्मद आमिर के कमबैक को लेकर। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है, मोहम्मद आमिर के कमबैक करने से किसकी जगह पाकिस्तान की टीम से खतरे में हुई है? इज़ इट हारिस रॉफ और इज़ इट शाहिन शाफीदी? टेल अस योर व्यूज़ इन कमेंट सेक्शंस। अभी के लिए मुझे यानी कि लक्षित को दीजिए इजाज़त। स्पोर्ट्स यारी की इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।